आपको ना मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आ, 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 आ। पूरी मिस तोड़ फोड़ो कहा था केयरफुल रहना। कैसी तलाश है ये जो पूरी नहीं हो पा रही है? कौन है, किसे खोज रही हो तुम? चंदा, चंदा को ढूंढ रही हो? वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। अरे अरे किस सोच में पड़ गई मैडम? विष कन्याओं की मृत तृष्णा से दूर रहो। ये महल रहस्यों की चार दीवारियों से घिरा हुआ है। जो छिपा है वही सच है और जो दिखे वो छलावा। कौन है, कौन है वहां? कौन हो सकता है? और ये विष कन्याओं के बारे में क्या कह रहा था? चंदा, चंदा मामा कितने प्यारे होते हैं ना, पर दिन में कहाँ खो जाते हैं? क्या हुआ, कुछ काम था? कुछ नहीं। अरे कुछ पता चला? किस बारे में? अरे तुम्हारी दोस्त के बारे में। और किसके बारे में? सम्राट को सबकी खबर रहती है। वो फ्रेंड थी ना तुम्हारी, जिसे विष्कन्या उठा के ले गई। ये गांव को फिक्र है तुम्हारी। देखो सितारा, अपना ख्याल रखना प्लीज। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी दोस्त चंदा को ढूंढते ढूंढते तुम खुद ही गायब हो जाओ। गायब तो मैं उसे करूंगी जिसने चंदा को गायब किया है। और चंदा मेरी सहेली थी नहीं, है और हमेशा रहेगी। So sweet. कितनी लकी है चंदा। काश मेरा भी ऐसा कोई केयरिंग दोस्त होता जो मेरा इतना ख्याल रखता, तो मुझे पागलों की तरह हर जगह ढूंढता। खैर मेरी किस्मत चंदा की तरह थोड़ी है। हे भगवान, ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? क्यों किया? ध्यान रखना प्लीज। इसे कैसे पता चला कि मैं महल में चंदा को ढूंढ रही हूं? इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। अब जाइए यहां से, दूर हो जाइए हमारी नजरों से। राजगुरु, महल का एक दरबान गायब है। लगता है उस दिन जल्दबाजी में हमसे दरवाजा खुला रह गया था और विष कन्याओं ने उस पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं है कुलदीप, हमें लगता है कि यहां कोई आया था जिसे विष्लोक की भनक लग गई है। अगर ऐसा हुआ तो वो विष्कन्याओं की हिम्मत बन सकता है, उन्हें आजाद करने में उनकी मदद कर सकता है। हमें उस इंसान का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। पर पता लगाएंगे कैसे राजगुरु? आइए आइए मेरे साथ। ये देखिए, जो भी यहां आया था वो अपने हाथ की छाप छोड़ गया है।
कैसे बताऊं आपको राजगुरु, यहां सितारा आई थी जिसे विश्वलोक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपको बता दिया और आप उससे मिले तो कहीं कुछ पुराने राज उसके सामने ना आ जाए। नहीं, मुझे सितारा को इन सबसे दूर ही रखना होगा। क्या हुआ? नहीं, ये चलिए। हर रोज पापा की डांट खाकर भी चंदा को ढूंढ रही हूँ। भगवान जी, अब तो तरस खाइए मुझ पे और मुझे चंदा से मिला दो, वरना इस महल में बाबा से छिपकर चंदा को ढूंढना बहुत कठिन होता जा रहा है। चोरों की तरह क्यों छुप रही है? करना क्या चाह रही है? कुलदीप जी, आपकी कटार यहां क्या कर रही है? अभी अभी नीचे गिर गई थी राजगुरु। आप राजपूत हैं, आपका शस्त्र आपके हाथ में शोभा देता है, उसे अपने हाथों से फिसल लेने दीजिए। जी राजगुरु, महाराज अथर्वा और उनका परिवार आपके कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आते हैं, आप जाइए। महाराज अथर्व आपके कक्ष में राजगुरु। कुंडली मिलन के लिए आए होंगे। राजा हुकुम ने मुझे बताया था कि विराज और राजकुमारी नेत्रा के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं वो। आइए। विराज, अब कहाँ ढूंढूं मैंने? God knows कहाँ होंगे। तुम दोनों में से किसी ने विराज को देखा? जी, कुंवर साहब बाहर गए हैं, शायद बगीचे में होंगे। Okay, go. Morning walk, हाँ? कर लो विराज, जितनी वॉक करनी अभी कर लो, क्योंकि एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद तो तुम्हें मेरे ही आसपास चक्कर लगाना। Anyway, now let me go and tell him के हमारे पेरेंट्स हमारी शादी का सोच रहे हैं।